अरे माही एक ग्लास पानी देना। आ गए आप? हेलो। अरे भाई अगर सैलरी मिल गई हो तो कुछ पैसे दे दो। पैसे? हाँ। कितने पैसे हैं? देख लो यार 10,000 रुपए कर दो। यार पता है क्या, सैलरी तो मिल गई है लेकिन खर्चा बहुत है, कुछ कम पैसे ले लेते हैं। देख लो फिर ऐसे करो 5,000 रुपए कर दो। ठीक है मैं कर। हाँ इन पर कब चला लूंगा। ठीक ओके। अच्छा सुनो, ना शादी है तो मेरे पास कुछ ढंग का नहीं है पहनने के लिए, तो मैं सोच रही थी आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। अच्छा हाँ चलो कोई बात। मैं कुछ अच्छा ले आऊंगी अपने लिए। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये अभी तो आए हो ऑफिस से, इनको चैन की सांस लेने देगा भी या नहीं? चल बाद में बात करियो। अरे रुक जाओ, जब मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। सीखो नहीं। हाँ बोल। भैया मेरे कॉलेज में ना मुझे फीस जमा करनी है, तो मुझे कुछ पैसे दे देते। हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। अभी तुम्हारे भैया की सैलरी नहीं आई है, जब आएगी तब ले लेना। ठीक है। रुक एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम? जैसे तू मेरी जिम्मेदारी है ना, ऐसे ये भी मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ तभी इसको याद आता आपसे पैसे मांगना। जो पैसे मैंने तुम्हें दिए सारे पैसे इसको दे दो। अपनी स्कूल की फीस भर दो और पैसे जोड़ दो ना तो मांग लेना, ठीक है ना? तो अपने सपने पूरे कर। थैंक यू भैया। मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, कुछ काम करके आऊंगा, ठीक है ना? अभी तो आया आप ऑफिस, अब कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है भाई, अभी आ रहा हूँ थोड़ी सी देर में। इतना खाना बनाओ, ठीक है ना? चलो ठीक है। एक काम करिए, सारे पैसे मुझे दे। जब तुझे पैसों की इतनी ही जरूरत पड़ती है ना, कहीं जाके मजदूरी कर ले, समझ में आई? तू पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। और सुन, तूने ये बात अपने भैया को बता दी ना, तेरे को फिर बताऊंगी, कहीं ऐसा ना हमारे बीच में लड़ाई हो जाए। कोई बात नहीं भाभी, आप रख लो पैसे, आप दोनों से बढ़कर थोड़ी ना मेरे लिए कुछ भी। मेरे माँ बाप जाने के बाद आप दोनों ने तो पाला था मुझे। यही तो गलती हो गई हमसे, जो तेरी सजा हम आज तक भुगत रहे। ए भगवान, काश मेरे माँ बाप होते तो ये दिन देख लेना पड़ता मुझे। ये लो खाना। अरे हम इनके लिए भी खाना ले आते ना, दोनों भाई आज साथ में मिलके खा लेते। तुम्हें इसकी तो चिंता है, कभी मुझसे पूछा है? एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तुम्हारा भाई हमारे बीच में सौतन से कम नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं कितनी बार कहा मैंने इसके साथ तमीज से बात करा करो, तुम्हारी कुछ बातें मैं इग्नोर कर दूं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। भैया आप शांत हो जाओ, भाभी कुछ चीज से हमसे परेशान है तो कोई बात नहीं, पर जब तुम चले जाते हो ना ऑफिस ये मेरा बहुत ध्यान रखती है। खुद का क्या है, खुद तो ऑफिस निकल जाते ना, सारा का सारा मुझे तो संभालना पड़ता है, और आपको मेरी बोली हुई बातें तो बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। फिर तो ऐसी बातें बोलती क्यों है जिससे मेरा दिमाग खराब हो? तुझे 100 बार समझा रखा है ऐसी बातें मत बोला कर, लेकिन तू बार 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 वही बातें बोलेगी। खुद भी खा लेना खाना और उसे भी खिला देना। भैया आप शांत हो जाओ, आप खा लो खाना, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे कौन सा कहीं बाहर जाना है। सही कह रहा है, इसको जाना कहाँ होता है, दिन भर बस बैठे बैठे खाता रहता है। सारा मूड खराब कर दिया, मुझे नहीं खाना खाना, तू खा लेना। ये सारा कलेश ना सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। और एक बात बता, तू अपाहिज तो है नहीं, ये खुद कमा नहीं सकता, शर्म तो तुझे है नहीं बिल्कुल भी, दूसरों की कमाई को तो ऐसे बैठे बैठे खाता रहता है। भाभी मैं नौकरी देख तो रहा हूँ, आप देखना जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, मैं आपको और भैया को एक भी काम नहीं करने दूंगा।
ये कहा है तेरी किस्मत में जो तेरी नौकरी लगेगी। ए भगवान, पता नहीं क्या लिखा था मेरी किस्मत में जो ऐसे घर में मेरी शादी हुई है, जहाँ एक देवर पड़ा है फ्री की रोटी पाड़ने के लिए। और हाँ सुन, अपना खाना खाकर खुद अपने बर्तन साफ करो, मैं तेरी नौकर नहीं लग रही हूँ जो मैं तेरे झूठे बर्तन दूंगी। ए भगवान, क्या परीक्षा ले रहा तू मेरी? ए भगवान, मेरी नौकरी लगवा दे। वाह 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 वाह, ऐसी कौन सी मेहनत कर क्या है ठंडा पानी पी रहा है? वो भाभी, मैं जॉब के लिए गया था ना, तो मैं थक गया था, तो मैं सोच रहा पानी पी लेता हूँ। ये ठंडा पानी ना मैं तेरे लिए नहीं भरती हूँ, जा जाके नल का पानी पी ले, इतने अच्छे नसीब नहीं है तेरे जो आरओ का ठंडा पानी पिएगा। वो भाभी, मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा कि ठंडा पानी पी लूं। जा चल अब नल का पानी पी। वाह भाई वाह, साहब जी तो पंखा चला के सो रहे हैं, बिल तुम्हारा बाप भरेगा। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे तो पापा ही नहीं है। अरे अब बिजली का बिल भरेगा कौन? तुम्हारे बस की तो है नहीं कमाना, एक काम करो छत पे जाके सो जाओ, लोग बाग तो रोड पे भी सो जाते हैं। ए भगवान, क्या परीक्षा ले रहा तू मेरी? ए भगवान, मेरी नौकरी लगवा दे। यार ये कमाता दमाता तो कुछ है नहीं, जिंदगी भर हमारी छाती पे ऐसे पड़ा रहेगा, कैसे ना कैसे करके इसको अपने घर से निकालना ही पड़ेगा। ये काम करती हूँ। हेलो हेलो, कहाँ पर हो आप? मैं यही हूँ घर के पास में। कब तक आओगे? आ रहा हूँ बस 5 मिनट के अंदर। अच्छा चलो ठीक है, फिर आ जाओ। अमित, अमित। हाँ भाभी। इधर आओ। आ रहा भाभी। अमित मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज आप दवा दोगे? हाँ दवा दूँ भाभी। क्या बोल रही है? मैं सच कह रही हूँ, अमित पता नहीं क्या कर देता मेरे साथ। मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, अमित मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। अमित। हाँ। इधर ही। भैया मैंने कुछ नहीं करा। फिर तेरी भाभी क्या कह रही है? यार अगर भैया को बता दिया तो भाभी को बहुत मारेंगे, ऐसा करता हूँ इस इल्जाम को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। तूने अपनी मां समान भाभी के साथ ऐसा करा? तू इस घर में रहने के लायक ही नहीं है, निकल जा तू घर से, निकल जा। तुम्हें मेरे को अपनी सुनो दिखाई हो। अरे क्या हुआ आपको, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं यार, अमित के बारे में सोच रहा था, पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। अरे यार उसकी टेंशन छोड़ो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। चलो आज हम बाहर घूमने चल रहे, आपका थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। चलो यार चल।
मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक। और बता क्या चल रहा है आजकल? आजकल कुछ नहीं चल रहा, सब ठीक। और बता वो जो तेरा देवर था वो कुछ कर रहा है या खाली बैठा हुआ है? अरे वो देवर को तो मैंने 3 महीने पहले ही घर से निकलवा दिया। अच्छा वो कैसे? अरे क्या यार, मैंने बस घर में थोड़ा सा ड्रामा किया और उसके भैया को बताया। उसके भैया ने उसको बहुत मारा और कसम खा के घर में मजा आ गया। और वाह क्या खेल है तेरे, तारीफ करनी होगी तेरी। अरे क्या बिगाड़ दोस्त तेरा, अपनी माँ मानता था तुझे वो, और तूने ये झूठे ड्रामे कर उसको घर से निकलवा दिया। अगर वो निकला है ना, अब तू भी इस घर में नहीं रहेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। निकल यहाँ से, निकल इस घर से। प्लीज मुझे माफ कर दो। निकल।